पीलीभीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का झंडा घर घर लगाने का अभियान शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा उत्तर प्रदेश को समाजवादी झंडे के रंग में रंग देना चाहते हैं। ध्रुव चौधरी समाजवादी पार्टी के मुखिया के दिशा निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के 129 विधानसभा के प्रबल दावेदार ध्रुव चौधरी ने आज अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ घर घर झंडा लगाने के लिए कार्य का शुभारंभ किया। ध्रुव चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम से पहले बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लाल रंग क्रांति का रंग है और इस देश में जब जब लोगों पर अत्याचार हुआ है तब तक इस देश में क्रांति आई है और क्रांति का रंग हमेशा लाल होता है। लाल टोपी लगाने वाले लोग असली क्रांतिकारी हैं, असली समाजवादी हैं। इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके पापों का घड़ा भर चुका है। यहाँ लाल टोपी वाले लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर संत राम विश्वकर्मा, बाबूराम, महेश कुमार, असलम नूरी सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीलीभीत जिला संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? संतराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, 129 विधानसभा से कई लोग लाइन में लगे हैं, क्या पोजीशन है, कौन विधायक बनने के काबिल है और किसको आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय देंगे वो हमें सर्वमान्य है और यहाँ पर काफ़ी प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी सभी से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो ध्रुव चौधरी ही अच्छे हैं और नए युवा हैं, लोगों के साथ लेके चलते हैं और चलने वाले हैं, जिनके घर में 8 बार विधायकी रह चुकी है वो इस लायक का है। वैसे करते क्या हैं आप, खेती किसानी? हाँ, खेती किसानी करता हूँ, राजनीति करता हूँ। और कहाँ रहते हैं? नारायणपुर रहता हूँ, पूरनपुर, नारायणपुर। जैसे कि 129 विधानसभा पूरनपुर के दावेदारी में है, अब अगर अखिलेश जी आपका टिकट करते हैं और जनता आपको चुनेगी विधायक, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मैं सभी जनता वालों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा टिकट कराने के लिए मुझे एक मजबूत दावेदार समझा और काफ़ी प्रेम मुझे दिया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, समाजवादी की सरकार अब आने वाली है, तो समाजवादी की जब सरकार आएगी तो मेरे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने अपनी तरफ से इकट्ठे कर रखे हैं। सरकार की जो नाकामियाँ थी उनको हमें पूरा करना है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जैसे किसान बहुत जो परेशान है इस वक्त, उसकी कुछ समस्याएं हैं। शारदा पार जो पुल वगैरह हैं उसकी समस्या है। टाइगर रिजर्व है जिसको अभी तक कोई अच्छी मान्यता नहीं मिली है, जो टूरिज्म का एक बहुत बढ़िया हिस्सा बन सकता है पूरनपुर के लिए, पूरनपुर के नाम के लिए हो सकता है वो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मुझे करनी है और मैं बनता हूँ तो उसको और बेहतर तरीके से पूरनपुर के नाम के ऊपर करूँगा। राजनीति में पहले आपने कैसे क्या शुरुआत की है, कैसे आप नेता बने? राजनीति में नेता तो हम ये मान के चलिए कि हमारे जो दादाजी थे वो जब विधायक रहते थे तभी से हमारे खून में आ गई थी, क्योंकि हम उन्हें देखते थे, उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते थे। हमारे घर में 8 बार की विधायकी रही, तो आज भी आदमी मेरे पास आता है, मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं उसका कुछ काम करा पाऊँगा। लेकिन ये बात सच्चाई है कि जो आदमी अगर राजनीतिक नहीं है तो किसी न किसी हद तक ही किसी आदमी की मदद कर सकता है। अगर मैं किसी पद पर किसी अहदे पर पहुँचता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी अथॉरिटीज मुझे सरकार देती है जिससे मैं लोगों की हर स्तर से मदद कर सकता हूँ। अगर कोई विधायक कहता है कि मैं आपका ये काम नहीं करा सकता तो वो झूठ बोल रहा है। अगर काम सच्चा है और विधायक अगर सरकार में है तो वो दुनिया यहाँ से वहाँ कर सकता है, आपका काम करा के आपको देगा ये चीज़। तो यही मैं चाहता हूं कि जो मेरे राजनीति का उद्देश्य है वो यही है कि जो भी कोई पीड़ित या कोई परेशान आदमी अगर मेरे पास आता है मुझसे उम्मीद लेके, तो मैं उसका सही काम होने के नाते उसका काम कराने का दायित्व निभाऊंगा। पूरनपुर विधानसभा से दावेदारी में कई लोग लाइन में लगे हैं, क्या अखिलेश जी का निर्णय रहेगा? देखिए, दावेदारी करना एक अच्छी बात है, अपने आप को सब लोगों के सामने लाना एक प्रक्रिया है उसकी, जो पार्टी ने हम लोगों को दी कि आवेदन करना, इस तरीके से लोगों को सामने लाना, ये एक अच्छी चीज़ है। और सब लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि चुनाव एक जीतता है, टिकट भी एक ही जना पाता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर से देख रहे हैं और अपना सर्वे करा रहे हैं, हर चीज़ करा रहे हैं, जिस चीज़ में हर आदमी सक्षम बैठेगा, बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, अपना व्यक्तिगत परिचय भी देखा जाएगा, लोगों में पैठ भी देखी जाएगी, युवाओं में लोकप्रियता देखी जाएगी, बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करेंगे उसका हमें सब लोगों को सम्मान करना है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और।